इधर आप जैसे ही तवीज़ जलाएंगे उधर महबूब का सर चकराने लगेगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। उसके दिल में आपके लिए जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वो आपसे मिलने को बेकरार होगा, आपसे बात करने को हैरान होगा। आपके नज़दीक है तो आपसे मिलने को तड़पेगा, अगर आपसे दूर है तो वो आपसे रब्ता करने पर मजबूर होगा। इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, कौन सा नक्श लिख कर जलाना है, तो चलिए आप भाइयों को बताते हैं। इस अमल को कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। याद रहे इस अमल को आपने सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, क्योंकि इतना तेज़ अमल है अगर आप किसी भी शख्स के लिए इस अमल को करते हैं तो वो शख्स पूरी ज़िंदगी आपके ही गले में फिट होगा। यानी उसके दिल में आपके लिए इतनी शदीद मोहब्बत पैदा होगी कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। अगर आप उससे बेवफाई करते हैं तो वो पागल भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद ऐसे कि अगर आप किसी से भी सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ही आप इस अमल को कीजिएगा, वरना नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल का इजाज़त नहीं है। अगर आप बग़ैर इजाज़त के इस अमल को करते हैं तो आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। आपने इस तरह का एक नक्श बनाना है। नक्श मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरह का एक नक्श बनाना है। नक्श बनाकर नीचे महबूब और उसकी वालिदा का नाम लिख लेना है, और जहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ आ रहा है अलहुब के बाद आपने अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लिखना है। इस तरह आपने 7 नक्श लिखने हैं। याद रहे इस अमल को करने का दिन सिर्फ जुमेरात का है। आपने इस अमल को जुमेरात के दिन ही करना है। 7 नक्श आपने इस तरह लिखने हैं। आपने 7 नक्श जब आप लिख लेंगे तो आपने जुमेरात को स्टार्ट करना है। ये अमल जुमेरात को स्टार्ट करना है और 7 नक्श लिखने हैं। 7 नक्श आपने एक ही टाइम पर जलाने हैं। यानी अगर आप एक नक्श जला रहे हैं, जिस भी टाइम पर, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि जिस टाइम आप एक नक्श को जला रहे हैं, क्योंकि इस अमल के लिए टाइम का नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। इस अमल को आपने इशा की नमाज़ के बाद ही करना है, यानी सोने से पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। नक्शा आपने पहले से ही लिख लेना है, लेकिन जलाना आपने जुमेरात को स्टार्ट करना है। हर दिन आपने एक एक नक्श जलाना है। इस तरह आपने उसे फोल्ड करके आग में बहा देना है। जैसे ही आप नक्श को जलाएंगे उधर महबूब का सर चकराने लगेगा। उसके दिल में आपके लिए शदीद मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, आपके लिए बेकरार होगा, बेचैन होगा। आपसे अगर दूर रहता है तो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर आपके नज़दीक है तो आपसे मिलने की कोशिश करेगा। उसके दिल में इतनी शदीद मोहब्बत पैदा होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो पूरी ज़िंदगी आपका ही तलबगार रहेगा, आपकी ही मुट्ठी में रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।